कौन है बैजाबाई जिनका नाम लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है बड़ा दावा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक दावे ने सिंधिया घराने की महारानी बैजाबाई को सुर्खियों में ला दिया है। सिंधिया ने दावा किया है कि उनके घराने की बैजाबाई ने ज्ञानवापी के कुएं में मौजूद शिवलिंग का संरक्षण किया था। सिंधिया के इस बयान के बाद लोगों में यह उत्सुकता बढ़ गई है कि आखिर सिंधिया घराने की यह बैजाबाई कौन थी। चलिए जानते हैं कि बैजाबाई कौन थी और उन्होंने किस तरह से सिंधिया रियासत चलाई थी। सिंधिया घराने के महाराज दौलत राव सिंधिया की तीसरी पत्नी बनकर बैजाबाई सिंधिया घराने में पहुंची थीं। जब मराठा सेना का अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ तो बैजाबाई ने अपने पति के साथ इस युद्ध में शामिल होकर अंग्रेजों का सामना किया। दौलत राव सिंधिया भी राज्य के कामकाजों में बैजाबाई की मदद लेने लगे थे। जब महाराज दौलत राव का निधन हो गया तो सिंधिया रियासत की बागडोर बैजाबाई ने थाम ली। 1827 से लेकर 1833 तक भेजबाई ने सिंधिया रियासत पर शासन किया। जब बैजाबाई ने सिंधिया रियासत का शासन चलाया उस वक्त देश में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी भी मौजूद थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बैजाबाई के विरोध में थी। यही वजह रही कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी ताकत लगाते हुए बैजाबाई को सत्ता से हटा दिया और उनके दत्तक पुत्र जानकोजी राव सिंधिया द्वितीय को शासन की बागडोर दे दी। बैजाबाई ने अपने जीवन के 9 साल उज्जैन में बिताए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।